नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। वैसे तो खबरों की दुनिया में दिन भर में तमाम खबरें निकलकर हमारे सामने आती हैं, लेकिन आज पति पत्नी से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर इस दुनिया में, इस समाज में रिश्तों की क्या कीमत रह गई है। दरअसल अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ और ये कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से और इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है साल 2021 31 मई को। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज थाना के एक पास के गांव की रहने वाली वैशाली नाम की लड़की की शादी एक युवक से होती है। उस शादी के अंदर तमाम बाराती जो हैं वो बारात लेकर जाते हैं। जिस तरह से शादी होनी चाहिए समाज में उसी तरह से शादी होती है। लड़का घोड़ी चढ़ता है, बाराती खाना खाते हैं, नाच गाना होता है और खुशी खुशी दुल्हनिया को उसके मायके से अपनी ससुराल लाया जाता है। लेकिन फिर उसके वक्त समय आता है उस रात का जिसका इंतजार एक पति पत्नी को हमेशा रहता है। वो उस रात को यादगार बनाना चाहते हैं। सुहाग की सेज सजती है, पत्नी अपने पति का कमरे में बैठकर इंतजार कर रही होती है, लेकिन पति कमरे में आता है। उसके बाद पत्नी से कुछ बातचीत नहीं करता, कमरे की लाइट बंद होती है और उसके बाद अगला दिन निकलता है। फिर अगली रात आती है, उसके बाद फिर पति कमरे में आता है, नई दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन फिर से कमरे की लाइट बंद होती है। पति फिर अपने घर पर आकर अपने कमरे में आकर सो जाता है और फिर अगला दिन निकलता है। इसी तरह से दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, महीने निकलते हैं और साल निकल जाते हैं और देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं। लेकिन जिस घर के अंदर बच्चे की किलकारियां गूंजनी थी, 2 साल शादी के होने के बाद भी उस घर के अंदर बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी और उसके बाद इस सब से परेशान होकर पीड़ित वैशाली ने पुलिस का सहारा लिया। 2 साल बाद शादी के वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है और अपने पति समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कराती है और पति के ऊपर आरोप लगाती है कि शादी के 2 साल तक, शादी हो जाने के बाद भी पति ने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि उसने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज की, उसे मारा, उसे पीटा, यहां तक कि उसे अपने मायके तक भी नहीं जाने दिया। लेकिन एक दिन वैशाली को मौका मिलता है और वो अपने दादा की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने मायके पहुंचती है और उसके बाद वो पुलिस के पास जाती है और अपने परिवार वालों को सारा मामला बताती है, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में आई है और पति के साथ 6 नामदर्ज लोगों पर कार्रवाई करने की फिराक में है और इस पूरे केस से जुड़कर जांच कर रही है। यानी पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल करने के लिए शुरू कर चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आज के समाज में रिश्तों की क्या कीमत रह गई है। एक पत्नी ने 2 साल तक अपने पति की गाली गलौज खाई और अपने पति की उसने मार पिटाई को सहन किया, लेकिन वो तमाम जो फेरे उसने अपने पति के साथ लिए थे उन वचनों को जो है वो नहीं निभाया गया। जिस परिवार को बसाने के लिए वो दूसरे के घर से एक बेटी को लेकर आए थे, ना ही उस बेटी को किसी प्रकार का खुश सुख मिला, ना ही उसे किसी प्रकार की उसे खुशी मिली और इस सब से परेशान होकर उस पत्नी ने ये बड़ा कदम उठाया और अपने पति के खिलाफ FIR कराई, वो भी इस कारण से कि उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है।
अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की खबरों के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में।